कोल्हान टाइगर का नया अध्याय। अब बीजेपी की सियासत करेंगे चंपाई। प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास। चंपाई से किसे नुकसान, किसे फायदा? नई पार्टी बनाते बनाते चंपाई सुरेन बीजेपी की झोली में जा गिरे। कोल्हान टाइगर को सियासी शरण लेनी पड़ गई। देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास। इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे। तो संगठन बनाने में वक्त लगता, इसलिए सियासी शरण में जाना उनकी मजबूरी थी। लेकिन क्या चंपाई सोरेन को या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा। लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है सोरेन, डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। देखिए, आज तक चंपाई दा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति की है। हम उम्मीद करते हैं, वो कद्दावर नेता थे मैं मानता हूँ। दूसरे दलों में जाने के बाद नेताओं का क्या हश्र होता है, ये इतिहास उठाकर देखने की बात है। चंपाई को इस नए राजनीतिक फैसले पर हर पार्टी अलग अलग चश्मे से देखती है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव है, इसलिए चंपाई बीजेपी के लिए जरूरत है और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी चंपाई सोरेन जी को थोड़ा सम्मान अभी दे रही है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उसके बाद चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में भी नहीं रहेंगे। चंपाई दा सुलझे हुए झारखंड आंदोलनकारी है, राज्य का भी नेतृत्व करे हैं। उनके समय जो काम हुआ लोग देखे जानते हैं। कहते हैं कि झारखंड जिस उद्देश्य के लिए हम लड़े थे वो उद्देश्य पूरा हो, और इसी सोच के साथ वो एनडीए गठबंधन में आ रहे हैं। बीजेपी ने एक बड़े आदिवासी चेहरा और मजबूत नेता को अपने पाले में तो खींच लिया, लेकिन पहले से बीजेपी में मौजूद आदिवासी नेताओं का क्या होगा? क्या वो चंपाई की शख्सियत के सामने तालमेल बिठा पाएंगे, या फिर बीजेपी का उन पुराने आदिवासी नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा? बड़ा सवाल है। धीरज ठाकुर के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची।